घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा। अरे देख लेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। तो फाइनली हमारे पास आज ये रिसीव हुआ है पगारिया का वॉकी पोर्टेबल अलार्म क्लॉक एफएम रेडियो विद ब्लूटूथ और ईयरफोन साथ में लग जाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, यूएसबी और टीएफ प्लेयर पैक, मतलब सारा सपोर्ट इसमें ऑल इन वन है। और अगर इसकी वेट का बात करूं तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से कहाँ है 0.21 kg पैकिंग करके है, मतलब बहुत हल्का है ये। और सही में दोस्तों ये जो मेरे को प्रोडक्ट आया है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेरे को ज़रूरत थी इमरजेंसी ट्रैवल के लिए वगैरह एफएम वगैरह सुनने के लिए, तो उस सब के लिए मैंने इसको मंगाया है। और इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाता हूँ फर्स्ट लुक इसका कैसे होता है। ये डिटेल वीडियो नहीं होगी, इसको बस एक्सप्रेशन दिखाता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं थी इसकी अनबॉक्सिंग के रिगार्डिंग, तो लोग सर्च करते हैं देखने के लिए प्रोडक्ट की हमको लुक वाइज कैसा मिलता है, तो इसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सिंपली हम फटाफट इसको गैजेट्स को हम अनबॉक्स करते हैं। तो ये दोस्तों इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ डिटेल। काफ़ी ज़्यादा मजबूत पैकिंग है दोस्तों, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इसको सही में अमेजोन की जो पैकिंग होती है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। और आता भी ये काफ़ी दूर से, बेंगलोर से आया है ये हमारे पंजाब में। तो ये देखिए दोस्तों इसका फर्स्ट इम्प्रेशन, ये है ब्लैक कलर का, मैंने ब्लैक कलर का मंगाया है, नहीं तो आपको ये दो कलर में अवेलेबल है, एक रेड में है और एक ब्लैक में है। फिलहाल ये ब्लैक का है। और स्पेक्स की बात करूँ तो आप इसको दिखा सकता हूँ, ड्यूल अलार्म है, एफएम स्टूडियो, वॉइस रिकॉर्डिंग, यूएसबी, ये बीटी 5.0 जो कि काफ़ी मतलब पुराना हो चुका है, लेटेस्ट 7 तक आ चुका है, टीएफ कार्ड, मेमोरी कार्ड हो गया, 6 घंटे का प्लेबैक, जो कि प्लेबैक का है वो मैं आपको ट्राई करके डिटेल वीडियो दूंगा इसकी, मैनुअल से लेकर सारी चीज़ें वगैरह। इसमें ईयरफोन्स भी लग जाते हैं और 3 वोल्ट आउटपुट इसके स्पीकर का है, तो देखते हैं कितना लाउड वगैरह होता है। और फर्स्ट एक्सप्रेशन तो काफ़ी बढ़िया था दोस्तों, देखिए पॉकेट रेडियो। अब हम इसको ओपन करते हैं मेरे को ख्याल से। ओके कितना सिंपल है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ से ओपन हो चुका है। और यहाँ से मैं अभी इसको खोलता हूँ। वाओ, ये मैनुअल है जो कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इसको मैं बाद में देखता हूँ, फिलहाल ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसकी पैकेजिंग। इसको अभी साइड में करते हैं और हमको अंदर क्या मिलता है ये देख लेते हैं। ये फॉर्म है और साथ में हमको तो दोस्तों ये हेडफोन्स भी हमको मिले गए हैं इसमें। सही है, बढ़िया डील है दोस्तों। ये 1300 रुपये मतलब 12,999 रुपये का है, सॉरी 1299 रुपये का है, 1300 के लगभग। और इसी में हमको डाटा अडैप्टर मिल जाता है और ये हेडफोन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हमको इस बॉक्स में मिलती है, इसको हम रखते हैं साइड में। और पैकिंग काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, यहाँ पर पगारिया की ब्रांडिंग है और सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। अभी मैं इसको फटाफट पैक करके, और काफ़ी पैकेजिंग में काफ़ी ज़्यादा मेरे को मैं बोलना चाहूँगा, अगर पैकेजिंग की नंबर्स की बात करूँ तो 5 में से मैं इसको 4.5 जरूर देना चाहूँगा क्योंकि पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया है, प्रोडक्ट है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है। और अब इसको हम फटाफट ओपन करते हैं। ओके, ये सब कवर को साइड करते हैं। ओके तो ये खुला हुआ था दोस्तों बकायदा। ओके, तो इसमें एक ये बैटरी लगती है, ये बैटरी मेरे ख्याल से कितना एम्पेयर की है ये है 2400 mAh की बैटरी है। अब इसको हम बंद करना पड़ेगा हमको। ये आपको यहाँ पर मेमोरी कार्ड डालने का स्लॉट मिल जाता है, ये हेडफोन का स्लॉट है, ये यहाँ पर यूएसबी का है, यहाँ पर ऑन ऑफ़ करने का है, ऑन ऑफ नहीं मतलब वॉल्यूम डाउन ऑन करने का है। और ये चार्जर है जो कि आपको दिखाया गया था, ये इसमें यूएसबी चार्जर मिल जाता है, ये मेरे ख्याल से ऑन करने का है। तो इसको मैंने ऑन किया और ये देखिए ऑन हो चुका है, ब्लूटूथ मोड। तो इसको हम ब्लूटूथ मोड से हम कर सकते हैं, वैसे ब्लूटूथ की जुड़ने में मैं एफएम दिखा देता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी वॉल्यूम 7।
अगर आवाज़ की बात करूँ दोस्तों, उतनी ज़्यादा मेरे को आवाज इसकी अभी तक फिलहाल जो मैंने दिखा रहा हूँ आपको, वो मेरे को मतलब कि उतना मतलब है ठीक ठाक है, पर अभी टेस्ट करूँगा तो डिटेल वीडियो बन जाएगी। बट अभी जो मैंने आवाज़ सुनी उतना प्रीमियम नहीं है इसकी आवाज़, और साथ में जो भी है ये आपके सामने, और मेरे पालम के पूरे इतने साइज का है, आपके जेब में भी आराम से आ जाएगा। जैसे कि मेरे जो माइक है उसकी बोया का माइक का ये है, और इसमें भी ये पूरा फिट आ गया, तो देख सकते हो दोस्तों इतना छोटा है। तो मेरे ख्याल से इसको मैं अभी ट्राई करूँगा थोड़ी देर बाद, और आपको डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तक बस इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।